नमस्कार, जमीन में खड़े जमींदारों को भी नमस्कार, छोटे छोटे बच्चों को प्यारा प्यारा नमस्कार, और महिलाओं को अति विशेष नमस्कार, और तमाम बुजुर्गों को अंतिम नमस्कार। अंतिम इसलिए कि मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। इस देश के बुजुर्ग बहुत ऊपर तक जाते हैं, बिना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बगैर बने निकलते ही नहीं है। आप सबको इतनी रात में ताली बजाता हुआ देख के बहुत अच्छा लगा, प्रणाम करता हूँ। महेश जोशी जी सामने बैठे हैं, जब जब मुझे बुलाते हैं जीत जाते हैं, एक बार नहीं बुलाया तो निपट गए थे। प्रणाम करता हूँ सर, आपको अगले चुनाव की याद दिला रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों ऐसे बैठे जैसे हमारा लाफ्टर शो चलता था, तो सामने सिद्धू जी और शेखर सुमन बैठते थे। महेश जोशी जी आज शेखर सुमन की पदवी लिए हैं, और सिद्धू जी आपको हम प्रणाम करते हैं। जहाँ भी जाते एक सिद्धू मिल जाते हैं, और जहाँ ये दो हस्ती मिलती हैं कार्यक्रम सफल हो जाता है। आज का ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, 15-20 मिनट मेरे नसीब में आए हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें करना चाहता हूँ। ये केश पार्थ बहुत गरीबी का दोस्त किधर चला गया, ये मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। कवि सम्मेलन की यात्रा हम लोगों ने 1985 से साथ में शुरू किए, तब से दोस्ती है, और जिनको ऐसे दोस्त मिल जाए दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। प्रणाम करता हूँ, बैठो। ये हाँ मैं उत्सुक हूँ ना, तो मैं और सुनाता हूँ। एक बार सर ये बैंकॉक ले जाए, मुझे बोल चल। मैंने कहा यार बैंकॉक तो मैं गया नहीं, कर बोले धार्मिक स्थान है चलो। तो मैंने कहा चलो धार्मिक स्थान है तो चलते हैं। तो दिन में सर होटल में सो रहे थे, कार्यक्रम रात का था। मैंने कहा यार क्या करें, बोले कुछ नहीं, ये नहर है खूबसूरत, अपन घूम के आते हैं। हम नहर के पास दोनों चले तो एक बोर्ड लगा था, डूबने से बचाने वाले को $5,000 इनाम। इसकी नियत खराब हो गई, बोले तू डूब जा मैं बचाता हूँ, ढाई ढाई दोनों बांट ले। मैं कहा मेरे बाप मेरे से तैरना नहीं आता, तू बचा ही लेना। अरे नहीं नहीं, बोले मेरे पे यकीन कर। मैं डूबा, अब मैं चिल्ला रहा हूँ इसके कान खराब हो गए। मैं कहा केस बाहर निकाल, ये सुन ही नहीं रहा। चला अब ये जब बहुत मुश्किल से मैं बाहर निकला, एक झाड़ की जड़ हाथ में आई तो ये दूसरा बोर्ड पड़ रहा था, वहां लिखा था लाश निकालने वाले को $1,000 इनाम। मैं प्रणाम करता हूँ, ये बहुत अच्छा दोस्त, कहाँ निपटा दे जैसे आज निपटाया। दस एक तो ठंड, कोई ताली बजाए हाथ छुपाए, ऐसे कार्यक्रम में फंसा दिया। लेकिन धन्यवाद नहीं भी बजाएंगे तो कोई बात नहीं। मधु आचार्य जी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आया था, जब एक एपिसोड में ये भी दिखे थे सर, हमने इनको पहली बार वहीं देखे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे। और ये सुनील भाई, 5-6 लोग खड़े थे हम फाइनल के दिन सर, सबसे पहले राजू श्रीवास्तव जो रहे नहीं, एक बार ताली बजाकर उनको श्रद्धांजलि दे दीजिए। हंसी के बेताज बादशाह गजोदर भैया, हम प्रणाम करते हैं, आप जहाँ भी हों वहाँ भी हंसा रहे होंगे, सारे देव देवी देवता मजा ले रहे होंगे आपका, और आपके परिवार को बहुत सुकून मिले। उसके बाद नंबर दो पे थे ये रतन नूरा, काम करते हैं पूरा सुनील पाल। उसके बाद था नवीन प्रभाकर, पहचान कौन सर, 17 साल पहले सिद्धू जी याद होगा आपको। उनके बाद में एक पराग कंसारा खड़ा था गुजरात का, उल्टा सोचो, हमेशा कभी सीधा सोचा ही नहीं, मगर वहाँ से कॉमेडी निकाला, मैं खड़ा था। और फिर भगवंत मान, सिद्धू जी ने डिसीजन दिया, सबसे पहले सिद्धू जी ने भगवंत मान को आउट कर दिया 6वें नंबर। आज पूरे 17 साल बाद, सबसे 17 साल के बाद, हाँ ये 6 ही लोग थे ना, आप सब जानते हैं, भगवंत मान ने सिद्धू जी को पंजाब से ही आउट कर दिया। तुमने स्टेज से किए थे, उन्हें पूरे स्टेट से आउट कर दिया। ये कॉमेडियन का बदला कोई नहीं, ये दोनों मुझे ले गए सुनील भाई और वो बैठे हुए उज्जैन के दादा, प्रणाम करते हैं, बहुत दिनों में मिले आप,
वाह, ये दोनों भाटी जी, अशोक भाटी, और वो दोनों मुझे लेके गए पंजाब सर। मैंने कहा बहुत देखेंगे पंजाब का जलवा, वहाँ गेहूं कम और गायक ज़्यादा पैदा होते, जहाँ कुदाली मारो 5-6 सिंगर निकलते। गजब की धरती सर आपकी, प्रणाम करता हूँ। रात का बहुत अच्छा कार्यक्रम किए भैया, और दिन में रेलवे में चलते थे उस समय, तो बस रेलवे की लाइन में खड़े थे हम तीनों। तो सबसे पहले अशोक भाटी गए, तो इनको आनंदपुर जाना था, दूसरे दिन वहाँ शो था। तो वो अंदर हाथ बढ़ाए, पैसे दिए, बोले साहब एक आनंदपुर देना। बाजू में अंकल खड़े थे पगड़ी पहन के, एक चमाट, बोले अंकल क्यों मारता? बोले आनंदपुर पवित्र स्थान है, साहिब लगाना पड़ता। ये धीरे से आए सुनील पाल के पास, बोले साहिब लगाना नहीं तो अंकल मारता। नहीं नहीं, बोले मैं लगा लूंगा। सुनील भाई गए, एक मुंबई साहिब देना। फिर तड़ने से बोले अब क्यों मारा अंकल? बोले कहीं भी साहिब लगा था। ये दोनों आके मेरे सामने नाचने लगे, बेटा लगाओ तो भी अंकल मारता है और नहीं लगाओ तो भी मारता है, अब तू पिटेगा। मैं कहा मध्य प्रदेश का हूँ, मेरे को आइडिया आता है निकलने का। मैं गया, मैंने कहा सर एक टिकट जहाँ का ये अंकल बोले वहीं का ही दे, वहीं जाऊंगा, नहीं तो आज इन्हीं के घर खाऊंगा। अंकल ही भग गए, तो अपने को बीच का रास्ता भी निकालना पड़ता है। तो बहुत प्यार से आप सब सुन रहे हैं, महापौर जी आपको प्रणाम करते हैं, बड़े प्यार से आपने बुलाई हैं, तो मैं अपने अंदाज में दो लाइन सुनाता हूँ। जयपुर वाले तो छा गए, जयपुर वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए, और महापौर जी की पूरी टीम ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच। मस्त जी, कविता समाप्त हो गई है, ताली बजा सकते हैं। आपको मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ बजाना है, क्योंकि आजकल 17 साल हो गए हैं तो फिल्मी बातें करनी पड़ती है। पिछले दिनों एक रणवीर सिंह है, उनने कपड़े उतारे, अच्छी बात है, अपने घर में सब उतार से, बोली फोटो लेके उनने